दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रेसिडेंस ऑपरेटर में के बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंस क्या है, अब कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है और कौन से ऑपरेटर पर सबसे पहले C++ प्रोग्राम में जो कंपाइलर है वो कौन से ऑपरेटर पर सबसे पहले एक्शन लेता है। ये ज़्यादातर कम्प्लेक्स सिचुएशन में होता है, क्योंकि कम्प्लेक्स सिचुएशन में बहुत से ऑपरेटर होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड, मॉडुलस वगैरह। तो इसमें हम जो है हमें पता नहीं होता। ज़्यादातर जो है लॉजिकल क्वेश्चन भी इस तरह आते हैं, फेसबुक में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, वो भी इस तरह का प्लस माइनस वगैरह को पहले और बाद में क्यों होती है, इसका तरतीब तो थोड़ा उल्टी उल्टी की हुई होती है। मिस में भी एक इसका जो है वो बदमाश वाला रूल है, ब्रेकर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो यही पर C++ में तो ऑपरेटर बहुत ज़्यादा है, प्लस प्लस है, माइनस है, और जो लॉजिकल ऑपरेटर है और ग्रेटर देन, लेस देन, तो कौन सा वाला सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, तो हम यहीं पर बात करेंगे। यहाँ पर जो है a इक्वल टू 5 + 7 मॉडुलस 2 डिवाइड बाई 1 हमने लिखा नहीं है, 1 की जरूरत भी नहीं होती है। यहाँ पर सबसे पहले मॉडुलस एग्जीक्यूट होगा, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। मैं आपको प्रेसिडेंस के बारे में जो है एक टेबल शो करता हूँ, आपको वही से पता चल जाएगा। और ये हाईएस्ट लोएस्ट प्रायोरिटी वाली की जो है ये मैथमेटिक्स की तरह है, पहले पेरेंथेसिस होता है, बाद में जो है डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक चीज़ है, अगर इसमें से कोई भी पहले हुआ तो मस्ता नहीं हुआ, बाद में मॉडुलस और इसकी सबकी जो है प्रायोरिटी जो है अहमियत जो है वो सेम है, इस वजह से पहले एग्जीक्यूट होता है। मॉडुलस जो है ये दूसरे नंबर पर है डिवीजन के बाद, मल्टीप्लिकेशन के बाद, और इसके एग्जीक्यूशन जो है ये लेफ्ट राइट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में है। यहाँ पर एक टेबल है, इसमें हमने सारा जो है मतलब कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कितना है वो सब हमने पेश किया। ये पोस्टफिक्स जो है ये पहले होता है लेफ्ट राइट, इसकी कंपाइलेशन मेथड है लेफ्ट राइट, ये एग्जीक्यूट होता है। प्रीफिक्स जो है एक प्रीफिक्स है, एक पोस्टफिक्स है, दूसरे नंबर पर है वगैरह, मतलब तीसरे नंबर पर है लेवल, इसकी लेवल है लॉजिकल एम जो है 7 नंबर पर है, टर्नरी ऑपरेटर 9 नंबर पर है वगैरह। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया एक्सप्रेशन एंड कंपाउंड एक्सप्रेशन इन C++। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।